बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बड़ी मेहनत हुई थी इस फिल्म में, और आज मैं जब जा रहा था मदानी यज्ञ में, महायज्ञ में, तो कई जगह मैंने नेपाल में पोस्टर देखा मुकद्दर का सिकंदर, तो अच्छा लगा कि ऐसे समय में जबकि थिएटर्स बहुत सारे बंद हो गए हैं और मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, तो ऐसे समय में फिल्में जहाँ थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रही हैं, ऐसे वक्त में भी अगर फिल्म नेपाल में भी लगी है, बाकी जगहों पे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी लगी है और लोगों को अच्छी लग रही है, तो हमारी मेहनत सफल हुई। हम लोगों ने बड़े मेहनत के साथ ये फिल्म बनाई थी। हमारे संतोष मिश्रा जी जो डायरेक्टर है, राइटर हैं, उनकी बड़ी मेहनत थी। वो इस सब्जेक्ट को काफ़ी, मुझे लगता है 15-20 साल से इसको उन्होंने लिख करके और बनाने की कोशिश की थी, बन नहीं पा रही थी। अब फाइनली जब बनी तो लोगों को पसंद आ रही है। उसमें मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है वो आम्रपाली जी का लुक लग रहा है। पोस्टर पे भी मैंने देखा और फिल्म में भी देखा, बहुत सुंदर लगी हैं ये फिल्में, और मैंने भी थोड़ा अलग करने की कोशिश की है जो लोगों को पसंद आ रहा है। आप क्या कहते हैं मैम? मुझे जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि लोग लुक को इतना पसंद करेंगे और इतना उनको अच्छा लगेगा। मुझे तो लग रहा था ये लोग बिना मेकअप के मुझसे करा रहे हैं और बहुत ख़राब लगने वाली हूँ स्क्रीन पे, बट हर कोई बहुत तारीफ कर रहा है। और स्पेशली इस फिल्म में मेरा फेवरेट पार्ट ये है, मुझे हमेशा दिनेश जी वो गैंगस्टर टाइप के लुक में बहुत अच्छे लगते हैं, जब सुरमा उरमा लगा लेते हैं और थोड़ा इंटेंस परफॉर्मेंस करते हैं, थोड़ा अंडर प्ले करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इस फिल्म में आपको बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिनेश जी की देखने को मिलेगी, तो जिन लोगों ने देख लिया फिल्म, थैंक यू सो मच, और जो लोग अब तक नहीं देखे हैं प्लीज़ मुकद्दर का सिकंदर जाकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखें। धन्यवाद। निर्माता जो हैं इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं, हमारे वसीम भाई, और उन्होंने पहले भी फिल्म बनाई थी हमारे छोटे भाई खेसारी लाल जी के साथ में, और उस फिल्म का नाम था मुकद्दर। फिर उन्होंने अभी फिल्म बनाई मुकद्दर का सिकंदर, तो लगातार फिल्में वो बनाते रहते हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं और फिल्म में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कोई कंप्रोमाइज़ कर दिया या फिल्म को चेप दिया, ऐसा नहीं है। अच्छे से फिल्म बनाते हैं, एक अच्छे निर्माता हैं, ऐसे निर्माताओं की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि भोजपुरी के लिए और भी अच्छी फिल्में ये बनाएंगे, तो आप सबका आशीर्वाद प्यार इनको मिलना चाहिए। मुकद्दर का सिकंदर आप लोग देखिए, अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए, ताकि हमारे जो निर्माता वसीम भाई हैं वो आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी फिल्म बनाते रहें। थैंक यू। थैंक यू।